तो दोस्तों फाइनली आ चुकी है हमारे पास टीवीएस अपाची RTR 310 गाइस, वो भी येलो कलर में, प्यूरी येलो इसका नाम है गाइस। और प्रीवियस वीडियो में बहुत कमेंट आया कि भाई येलो वाला कब दिखा रहे हो, येलो वाला कब दिखा रहे हो, तो येलो वाला आ चुका है गाइस। पहले तो मैं इसका कलर दिखाऊंगा, फिर इसका ऑनर प्राइस भी आ गया वो भी क्लियर कर दूंगा गाइस। फाइनेंस डिटेल भी कुछ दिन में आने वाला है वो भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले इसका कलर की बात करें तो कलर फ्रंट से आपको स्टार्ट करता हूं मैं। ये जो येलो है ना, ये थोड़ा डार्किश येलो रहेगा, लाइटनिंग येलो नहीं है, ये थोड़ा डार्क येलो रहेगा आपका। और देखिएगा ना, कुछ अलग सा इंसर्ट हुआ है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और भाई ये टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी है, जैसा कि देख सकते हो टेस्ट ड्राइव आप ले सकते हो। अभी मैं टीवीएस में आना है आपको और टेस्ट ड्राइव यहाँ पे मिल जाएगा इस गाड़ी का। और लाइटनिंग सेटअप की बात करेगा, इस लाइटनिंग सेटअप पूरा ही चेंज हो गया, मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो भाई लाइटनिंग सेटअप एक बार देख लो, हेजार्ड ऑन कर देते हैं, यहाँ से हेजार्ड ऑन हो गया हमारा। और ये यार भाई मजा आ गया भाई, मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ। लाइटनिंग सेटअप सस्ता G900 भी बोल रहे थे कमेंट में, G900 नहीं डुकाटी से थोड़ा मिलता जुलता लुक आता है इसका। और भाई ये जो वेरियंट आप देख रहे हो ना, एक बार मैं बंद कर दू, तो भाई ये जो वेरिएंट आप देख रहे हो ना, ये हमारा क्विक शिफ्टर वाला वेरिएंट है। इससे नीचे एक बेस वेरिएंट आता है और इसके ऊपर एक वेंटिलेटेड सीट वाला वेरिएंट आता है, जिसमें आपको वेंटिलेटेड सीट देखने को मिलेगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें देखने को मिलेगा, क्लाइमेट कंट्रोल वाला सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा। मगर इस वेरिएंट में आपको एक फीचर एड ऑन हो जाता है जो हमारा है क्रूज कंट्रोल। यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हो गाइस, क्रूज कंट्रोल देख सकते हो इनेबल हो चुका है हमारा ब्रेक लेने के बाद। अब बात करते भाई इधर, ये मटलैप आप देख सकते हो यार येलो में कर दिया। पीछे आप देखोगे तो ब्लैक में, इसमें आपको सुपर मोटर ABS भी आता है, अभी मैं सब चीज बताऊंगा। और यहाँ DSC RT का एक बैजिंग आपको देखने को मिलेगा और डिस उधर है हमारा। और भाई USD पॉप अपसाइड डाउन आते हैं, बाइबियर के कैलिपियर्स, और ये पूरा मैंने मैनेजमेंट करके आपको दिखा दिया है। इस वीडियो में उतना क्लियर नहीं करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको कलर दिखाने वाला। तो कलर भाई देखो, तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी येलो मिलेगा, यहाँ पे रफ यूज आपको देखने को मिलेगा यहाँ से यहाँ तक। और ये वाला देखो, ये टेस्ट ड्राइव है, थोड़ी गंदी है गाइस, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। भाई नीचे का देख सकते हो, पूरा फेयरिंग लिक्विड कूल इंजन आता है, रेडिएटर ग्रिल आप देख सकते हो, और नीचे आप देख सकते हो भाई थोड़ा गंदा भी हुआ है क्योंकि टेस्ट राइड बाइक है। और भाई बहुत का कमेंट आ रहा था, भाई इसका आप प्राइसिंग नहीं बताया, शोरूम प्राइसिंग है, प्राइसिंग आ चुकी है गाइस, मैं वो आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं इसका पीछे वाला आपको टेल्ट आईडी दिखा देता हूँ। टेल्ट आईडी आपका यहाँ पे नहीं आके यहाँ पे आ गया है गाइस, भाई ये काफी अच्छा किया, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पूरा ही खाली कर दिया है टीवीएस ने, और यहाँ आपको दे दिया है हजार का प्लेसमेंट, नंबर प्लेट लाइट LED में आपको मिलेगी, रिफ्लेक्टर नंबर प्लेट यहाँ लगा सकते हो, और इतना बड़ा मड फ्लिप, मतलब कि थोड़ा सा गंदा आपका ऊपर हो सकता है मगर ज्यादा नहीं होगा। अगर कोई प्लेन में बैठता है ना, कंफर्टेबली बैठ सकता है, गंदा उंदा नहीं हो सकता उसका। बट एक आपको दिक्कत लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा टाइट है भाई, ये थोड़ा सॉफ्ट देना चाहिए था गाइस। एक चीज है यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको टाइट मिलेगा, मगर आपको ये कंफर्ट बहुत अच्छा मिलेगा क्योंकि मैंने राइड किया है गाइस। अभी राइडिंग वीडियो भी इसका जल्दी आने वाला है गाइस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके रखना। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलता क्योंकि मिड वेरिएंट है, क्विक शिफ्टर के साथ आता है, क्रूज कंट्रोल के साथ आता है। टैंक देख सकते हो 11 लीटर का टैंक, मैंने पूरा डिफाइन कर दिया है, स्पेसिफिकेशन सब चीज बता दिया, मैं इसमें आपको कलर दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे भाई अपाची का यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो स्टिकरिंग है, और येलो में भी आपका स्टिकरिंग है, और ये पूरा आपको टैंक देखने को मिलेगा वही जो RR 310 में आती है ना, ब्लैक और सिल्वर कलर में वैसा ही टैंक मिलेगा, खाली स्टिकरिंग येलो में कर दी गई है। प्लस यहाँ पे भी आपको येलो इंसर्ट देखने को मिलेगा, यहाँ थोड़ा सा जाली हवा पास करने के लिए इंजन में, और ये मैंने आपको उस साइड से बता ही दिया है। इस साइड भी देख लो, इंजन सेम है RR 310, मैंने पूरा डिफाइन कर चुका है प्रीवियस वीडियो में, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हो, इसमें मैं आपको कलर दिखा रहा हूँ। अलॉय व्हील की बात करें तो आगे साइड आपको ब्लैक में मिलेगी, और ये इंसर्ट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, स्टिकरिंग है ये, मगर अगर आप पीछे का अलॉय व्हील देखो तो ये आपको येलो में मिलता है। भाई अच्छा किया है ये टीवीएस ने, ये बहुत ही अच्छा किया है कॉम्बिनेशन, अगर आप पीछे जाके देखते हो भाई येलो एंड ब्लैक कमाल लगता है भाई। अब बढ़ते हैं इसके एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं गाइस, कैसा एग्जॉस्ट साउंड आने वाला है। तो बढ़ते हैं यहाँ से, इसको स्टार्ट करते हैं। इंजन नॉइज आप देख सकते हो, अभी एग्जॉस्ट सुनते हैं अपन, एग्जॉस्ट कैसा आने वाला है वो देखते हैं। एग्जॉस्ट साउंड कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा। बात करते हैं गाइस इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल एक बार आपको मैं ऑन ऑफ करके दिखा दूं, उससे पहले मैं आपको चाबी दिखा देता हूं, सिंपल चाबी आपके, और इंसर्ट करते हैं। और यहां देखिएगा आप, बिल्ड टू ऑर्डर RTDSC, भाई साहब बहुत अच्छा है। वेयर योर हेलमेट, मतलब कि आपको वार्निंग भी आती है हेलमेट वाली। और यहाँ देखते हैं कोई फीचर एड ऑन हुआ है, सेम है राइड मोड वगैरह मैंने आपको बता दिया, अर्बन रेड स्पोर्ट और ट्रैक और सुपर मोटो ABS वाला मोड आपको आता है, इसको आप सेट कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी बात करें तो आपको यहाँ ट्रिप डिटेल्स, इस सब में मैंने डिटेल में बात किया है, आप इधर से टेम्परेचर भी देख सकते हो, बैटरी का रेंज भी देख सकते हो, सेट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और भाई ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ। क्रूज कंट्रोल पे बात करते हैं, क्रूज कंट्रोल ब्रेक एंड क्लच इनेबल, क्रूज कंट्रोल ब्रेक और क्लच को एक साथ करना होगा तब ये क्रूज कंट्रोल ऑन होगा, ये सब मैं बता दिया। रेंज बता देगी, किल स्विच ऑन ऑफ आपको यहाँ बता देगा, ओडोमीटर और ये टॉप स्पीड, और ये 0 से 60 कितना किलोमीटर में चल जाएगी, ये एक बार मैं स्टार्ट करके आपको दिखा दूं।
ये वाला आप देख सकते हो, आरपीएम मीटर है, गियर इंडिकेटर, स्पीड बता देगी आपको, क्लॉक भी है, मेन्यू तो मैंने आपको दिखाई दिया, सब चीज है। बाकी आप देखते हो एबीएस इंडिकेटर, अपर डिपर, यहाँ पे आप लो फ्यूल ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है इसमें, साथ ही साथ ये आपको मैंने बता दिया आप यहाँ से सेट कर सकते हो अपना क्रूज कंट्रोल। ये इसके सेटिंग हो गए, ये आपका इंडिकेटर, ये आपका हॉर्न, नीचे अपर डिपर प्लस पासिंग स्विच, इस साइड आपको किल स्विच वगैरह ये सब मिल जाएगा, स्मार्ट वाला है गाइस। अब बढ़ते हैं इसे ऑन रोड प्राइस में गाइस, इसका ऑन रोड प्राइस क्या लगने वाला है वो बात करते हैं। तो भाई इसका ऑन रोड प्राइस आपको 3,14,000 लगेगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैंने पिछले वीडियो में एक शोरूम बताया था, इसमें आपको मैं ऑन रोड बताता हूँ 3,14,000 लगेगा, क्योंकि इसका प्राइस अभी ऑफिशियली नहीं आया है, शोरूम एक तरह से आपको ये प्राइस दे रहा है क्योंकि आप ये गाड़ी ले सको, क्योंकि ऑफिशियली 2-4 दिन लगेगा तो वो कंप्लीट कर देंगे अपन, ऑन रोड प्राइस कितना है उस समय हम फाइनेंस डिटेल इसका निकालेंगे, इसका स्कीम भी नहीं आया है गाइस। ऐसे आप इसमें मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हो गाइस, 1,00,000 का कर सकते हो, भैया ने बताया है, अभी मिनिमम करना और मुश्किल है क्योंकि अभी एग्जैक्ट प्राइस नहीं आई, 3,14,000 इसका एक्सेप्ट प्राइस है, एग्जैक्ट प्राइस अभी आने वाली है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सेम नेम से इंस्टाग्राम है, वहाँ पे मैं आपको अपडेट दे दूंगा इसके ऑन रोड प्राइस से रिलेटेड। बाकी गाइस इसका टॉप वेरिएंट जो है हमारा वो अभी तक आया नहीं है, जैसे इसका टॉप वेरिएंट आता है गाइस वो उस पे वीडियो बनाऊंगा। वेंटिलेटर सीट को हम लोग चेक करने वाले, क्लाइमेट कंट्रोल सीट है आपको मालूम है, और उसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आता है वो भी हम लोग चेक करने वाले हैं, तो उसके लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, और थोड़ा बाहर में शूट कर रहा हूँ, बाहर की आवाज आ रही होगी तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, और मिलते रहेंगे गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।